क्या है? शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मैं आया हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से और मच्छल एलओसी पर, जहाँ हमारी लाइन है ये पाकिस्तान और हम इस साइड रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत खुश थे आदमी है, जहाँ के हमें नसीब हुआ हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने के लिए, लोग तड़फते हैं वहाँ जाने के लिए, हमें यहाँ ही मिल गए। और आज तक जो काम कभी 70 साल में नहीं हुआ है, जो 70 साल में काम नहीं हुआ है, ये हमारी सरकार ने करके दे दिया लोगों ने। और ये मोदी से क्या उम्मीद है? जो आजकल उन्होंने आज तक जो डेवलपमेंट की है, और आगे भी ऐसे ही डेवलपमेंट उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे कि आज तक आपने देखा कि कोई भी रोड नहीं बन रहे थे, जो उन्होंने जब उनकी सरकार आई 9 साल में जो उन्होंने काम किया, वाकई ही वो बेमिसाल थे। चाहे उसमें मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हाँ पूरा 100% मोदी के लिए बड़ा नारे लगा रहे थे आप लोग। हमें खुशी है मोदी जी, जो हमारा वजीर आजम हिंद है, हमें खुशी है वो यहाँ आएगा। आज हमारे जो डिमांड्स होंगे केजरीवाल लेबर्स की, वो पूरा करेगा। हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी पे। हम तो बहुत जोश में थे आप लोग। हम मोदी जी जिंदाबाद, 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 बार बार मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम। अच्छा ये देखिए, मोदी जी के वेलकम करते यहाँ लोग जो है मौजूद है, और ऐसे ही नारे से पूरा बख्शी स्टेडियम जो है वो आपको दिखाई देगा कि बख्शी स्टेडियम में लोग इसी तरीके से नारे लगा रहे हैं। आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से काफी उम्मीद है? आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं? जो वो बोलता है वो पूरा करता है, वो झूठ नहीं बोलता है। मोदी है तो 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 मोदी है तो। ये कश्मीर की जनता है। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग जो है वो पहुँचे हैं। एक मिनट सर जाने दीजिए। यहाँ पर एक मिनट सर। भीड़ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ कितनी ज्यादा है, लोग कितने ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? जी हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं। बारामूला से आए? जी। प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री साहब को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म आज आ रहे हैं। हमारे कम से कम डिस्ट्रिक्ट बारामूला से 10,000 लोग पहाड़ी आए हैं। हम पहाड़ी कबीला के लोग हैं, और आज हमें इतनी खुशी है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी ऐसी डिमांड पूरी की है जो 70 साल से हमारी डिमांड थी। पहाड़ी कबीला को ST के दर्जे में लाया है, इसलिए सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी। एक डिमांड तो पूरी हो गई, अभी भी कुछ डिमांड पहाड़ी समुदाय की? देखिए पहाड़ी समाज के डिमांड एक ही पेंडिंग है कि हम वज़ीर आज़म जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बेरोजगारी है इसके लिए कुछ भर्तियों का ऐलान हो जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ये बच्चे एडजस्ट होने चाहिए। तो आज उम्मीद है हमारी कि हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इस चीज के लिए करके जाएंगे, कुछ मिलेगा। मोदी आ रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर वासियों को तोहफा देंगे। आपको क्या उम्मीद? हमें तो उम्मीद है कि मोदी जी एक खास पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए लेके आ रहे हैं, जो हमें उम्मीदें हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो लोगों का जोश खरोश आप देख रहे हैं कि हाल ही में जो पहाड़ी कम्युनिटी को ST मिली है, OBCs को रिजर्वेशन मिली है, राइट्स मिले हैं, गुजर बकरवालों को मिले हैं, कश्मीरी को मिले हैं, हर तबके को जो है उन्होंने इंसाफ किया है। जो आज तक जो है पुरानी गवर्नमेंटें थी कांग्रेस की या जो भी गवर्नमेंटें आई, उन्होंने लॉलीपॉप रखा यहाँ के लोगों में के मुंह में, और कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इस वजह से लोग जो है जोश। मोदी जी को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? हम तो उनका शुक्र अदा करने आए कि उन्होंने हमें ऐसे जोश दिखाई। जोश है हमें, हम जब आएंगे आप देखेंगे कि कितना जो है पूरा ये पंडाल जो है नारों से गूंज उठेगा। हाँ, शुक्र अदा करने आए हैं, और हमें उम्मीद है कि काफी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार बताते हैं। क्या कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोग भी उनको अपना परिवार मानते हैं? क्यों नहीं, अगर वो नहीं मानते तो फिर वो हमें ST अपना, हमारा जो बुनियादी हक था ST का, वो नहीं देते। वो मानते हैं, उन्होंने एक नारा लगाया था सबका साथ जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। हर कम्युनिटी के हर व्यक्ति के साथ इंसाफ हो रहा है। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से लोग जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अलग अलग समुदाय के लोग जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बातें कही थी उसको कैसे कह रहे हैं? आप युवा है, क्या सोच कर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं? जी उनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हम कम से कम 300 किलोमीटर दूर से आए,
तो हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मेरे को पिछले 7 साल से मैं बीजेपी में काम करता हूँ, मुझे बीजेपी पे उम्मीद है कि वो हमारा हर काम करेंगे। आप तो कार्यकर्ता ही हैं, आप तो मोदी के पे। हाँ, कहाँ से आए हो बेटा? मैं कुपवाड़ा करना से आया हूँ। कुपवाड़ा से आए हो, प्रधानमंत्री को सुनने आए? जी मेरी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, हमें टंडल की मांग थी, हमें साधना टंडल की मांग थी, उधर से बहुत लोग आना चाहते थे लेकिन साधना बंद होने की वजह से वो नहीं आ पाए, अगर टंडल होता तो वो आ पाते। उन्होंने हमने एसटी की मांग भी रखी थी और उन्होंने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है? मेरा नाम फैसल जमीर है। किस समुदाय से? जी मैम, तुमने कहा ना कि तुम्हारी मांगे पूरी हुई। जी मैम, कौन सी मांग? हमारी साधना टनल की मांग है और पावर, पानी, ये फ्री होना चाहिए। फ्री होनी चाहिए? फ्री, तुम्हें लगता है फ्री का लॉलीपॉप सही है देश के? जी फ्री मिलना चाहिए सब कुछ, काम ना करे इंसान? नहीं करे, लेकिन फ्री भी होना जरूरी है मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। अच्छा, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, अब आपने कैटेगराइज किया। चलिए, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेंगी। देखिए, यहाँ अगर आप इस वर्ग के बच्चों को देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि बख्शी स्टेडियम में हर अलग अलग वर्ग से लोग जो है वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि सबका एक ही कहना है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी है, गारंटी की भी गारंटी है, ये पीएम कहते हैं, क्या आपको इस पर भरोसा है? मोदी है तो मुमकिन है। जब 370 खत्म हुआ, आज हमारे कश्मीर में खुशहाली है। हाँ, खुशहाली है बाबा, आप बताइए। बिल्कुल खुशहाली है। 370 के पहले हालात कैसे थे और अब हालात कैसे बदले? 300 हालात के बाद, 70 हटने के बाद बिल्कुल हालात ठीक है। क्यों? जो यहाँ के बड़े बड़े गुंडे जो मिनिस्टर के ओहदे पर होते हैं वो मानते नहीं है, आज हर एक का हक मिलता है। हाँ, हर एक का हक मिलता है, विकास का काम हो रहा है। मैम, आप महिलाएं हैं, 370 हटने के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार देख रही हैं? बहुत सुधार आया है, जब से मोदी जी आया है तब से बहुत सुधार आया है। क्या क्या ऐसा आप लोगों को हक मिल गया, या क्या ऐसे आप लोग फ्रीली घूमने लगी 370 के बाद की अगर बात? गोल्डन कार्ड दिया है, उससे इलाज हुआ है महलों का, और वो पेंशन दिया है, सब कुछ दिया है मोदी ने। हमारे बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर थे, हमारे बच्चे पत्थर उठाते थे, आज हमारे बच्चों में कलम है, लैपटॉप है, ये खुशी की बात है हमारे लिए, पूरी आवाम के लिए ये खुशी की बात है। ये देखिए, यहाँ की महिलाएं जो हैं वो भी जो है कह रही हैं ये कि किस तरीके से महिलाएं अपने आप को घाटी में सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं जो होती थी वो हम आपको दिखाते थे कि जो जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आती थी वो ऐसी थी कि लोगों को लगता था सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजों का यहाँ पर कब्जा है, लेकिन आज 370 के बाद हालात बंद हुए। सर, क्या लगा रखा है? मोदी जी के फैन है क्या? ये क्या लगा रखा है, लगाइए जरा, लगाइए। उर्दू नहीं आता? हाँ, मेरे को उर्दू नहीं आता। उर्दू नहीं, हिंदी में बात कर रही हूँ। ये लगाइए तो सही। ये कहाँ से मिला? ये यहीं से मिला। हाँ? हाँ। तो क्यों मोदी जी का चेहरा क्यों लगाया? मोदी को बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, इसलिए रात भर 1 बजे रात आया यहाँ पर। हाँ, हाँ, मोदी की शौक से आया यहाँ पर। हाँ। मोदी जी ने अच्छा अच्छा काम किया इस कश्मीर में। हाँ, अच्छा अच्छा काम किया, पत्थरबाजी बंद गया, सबको गुंडा राज बंद गया, इसीलिए मोदी सरकार तीसरी बार आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, ये 370 हटने के बाद पहला दौरा है, क्या उम्मीद है पीएम से? पीएम से उम्मीद है ये इंशाल्लाह अच्छा अच्छा काम करेगा पीएम से। तो सुनने के लिए बेताब है पीएम को? हाँ, बहुत बेताब है। हाँ, 1 बजे रात से देखिए यहाँ लोग आके डेरा जमाए हुए हैं, काम भी यहाँ पर देर रात से जो है वो चल रहा था। आगे लिए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे बख्शी स्टेडियम की, क्योंकि आपको दूर तक जहाँ तक देखिए तस्वीरें नजर आएंगी, खचाखच ये स्टेडियम जो है भरा हुआ नजर आएगा। 1 लाख की तादाद बीजेपी की तरफ से बताई गई थी कि 1 लाख की तादाद में लोग पहुंचेंगे, और जिस तरीके से स्टेडियम भरा हुआ है, लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं कुपवाड़ा से आया हूँ। कुपवाड़ा से आए हैं, आने में परेशानी हुई क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को आज लाखों लोग देखने के लिए इसलिए आए कि पहली बार
जम्मू कश्मीर में अमन जो कायम किया वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। यहाँ 6 मंथ के लिए बंद हुआ करता था, स्कूलों को जलाया जाता था, जो कश्मीर हाथ से चला गया था इस कश्मीर को वापस लाया वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। आज आप किसी भी इलाके में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, रात के 12 बजे आप खरीद व फरोख्त कर सकते हो। इसको कहते हैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी। आज देखो ना, ये पहली बार इतने लोग पहली बार कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ रैली, किसी वजीर आजम को रात के वक्त लोग निकले इसकी रैली में हिस्सा लेने के लिए, ये पहली बार हो रहा है। लेकिन कई बार तो पीएम के ऊपर आरोप लगता है कि एक समुदाय विशेष को फेवर करते हैं, दूसरे समुदाय विशेष को। वो वही जिनका इख्तदार चला गया कश्मीर से, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, जिनका वजूद मिट चुका है, ये कुछ परिवार थे, अब है कश्मीर में हर घर में मोदी है। और आज उन सियासी पार्टियों का जनाजा इस स्टेडियम से निकलेगा, और जो आने वाला इलेक्शन है कश्मीर से कमल खिल के जाएगा, और कश्मीरी लोगों के दिल में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहा है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।